नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड की सीरीज में दूसरा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं ELSS पे, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। जी हाँ, आपने सही सुना, इक्विटी लिंक। ये वो सेविंग स्कीम्स हैं, वो म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी पे फोकस रखते हैं। इक्विटी में ज़्यादा इनका इन्वेस्टमेंट होता है, ये डेट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, इक्विटी फोकस रहते हैं। तो इनका पूरा पैसा या ऑलमोस्ट मोर देन 80-90% पैसा जो रहता है इक्विटी में रहता है। ये वो स्कीम्स हैं जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ATC के तहत अगर आप 1.5 लाख रुपये तक की इन्वेस्टमेंट ऐसे स्कीम्स में करते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, तो हाँ, आप ATC के अंदर रिबेट ले सकते हैं, आपकी टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख रुपए से कम हो सकती है। अब देखते हैं ELSS के फीचर क्या है। ELSS भी बेसिकली एक म्यूचुअल फंड ही है दोस्तों, म्यूचुअल फंड का ही एक तरीका है। बट हाँ, जहां नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, वहीं ELSS स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप 1.5 लाख रुपए तक सेविंग कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ELSS फंड इन्वेस्ट लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन इक्विटी। जी हाँ, इक्विटी बेस्ड फंड है, जैसे नाम में छुपा है, ELSS का E means इक्विटी, इक्विटी में इनका प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है। दूसरा इसका फीचर है कि ये 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ में आता है, क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो टैक्स बेनिफिट इंश्योरेंस में वैसे मिलता है। तो अगर इस स्कीम को भी उसी तरीके से देखा जाए तो इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड किया जाता है, जैसा इंश्योरेंस में रखा जाता है। दूसरी चीज है, यहां पर 2 तरह के आपको बेनिफिट मिलेंगे, एक तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगी, दूसरा आपको लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग भी करने को मिल जाती है। चौथा इसका जो बेनिफिट रहता है, इसमें भी अगर आप चाहें तो पे आउट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं ग्रोथ ऑप्शन के साथ साथ में। और ELSS फंड जो रहते हैं बेसिकली इनमें कोई एंट्री लोड या एग्जिट लोड नहीं रहता, ये सबसे खूबसूरती है, तो इसमें ये वाली कॉस्टिंग नहीं लगती है। और जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, जो अच्छे ELSS फंड्स हैं, वो लॉन्ग टाइम पे उनकी 10-12% की एवरेज रिटर्न तो रहती रहती है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी एवरेज रिटर्न 13-14% की, कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, CAGR की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ बिल्कुल, वो 12-14% तक भी रेंज कर सकती है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नॉर्मल म्यूचुअल फंड में और इस म्यूचुअल फंड में जो ELSS है, इसमें कैच सिर्फ ये है कि ELSS 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आता है, उससे पहले आप नहीं लगा सकते। सपोज कीजिए आपने ELSS में लमसम पैसा लगाया है, तो आप 3 साल के बाद ही उस पैसे को निकाल सकते हैं। और अगर आपने सिप लगाई है, फॉर एग्जांपल जो सिप जनवरी 2020 में लगाई है, तो जनवरी 2020 से 21 एक साल, 21 से 22 2 साल, 22 से 23 3 साल, तो 2023-23 में ही जनवरी वाला पैसा पूरा होगा। फरवरी वाली सिर्फ फरवरी 2023 में पूरी होगी 3 साल, मार्च वाला मार्च 2023 में। तो आपका हर इंस्टॉलमेंट को, हर पैसे की इन्वेस्टमेंट को 3 साल होने कंपलसरी है। ऐसा ना हो आप सोचे भाई मैंने तो जो 2020 में पैसा लगाया था, पूरा का पूरा साल का पैसा 2023 में निकल आएगा। जी नहीं, हर इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की डेट देखी जाती है, जो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको 3 साल होने चाहिए। तो अगर आपने SIP लगाई है तो SIP को पूरे 3 साल होंगे तो ही पैसा निकाल पाएंगे, वरना पैसा नहीं निकाल सकते। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है या आपको ELSS में सिप के फॉर्म में जाना है। दोनों ही सूरत हालात में आपको रिटर्न्स बहुत अच्छी मिलती हैं। सिप में हमेशा से फेवर में रहता हूं, क्योंकि सिप में जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड है, जिसमें आपको एक अच्छी एवरेज करने का मौका मिलता है, वो बेनिफिट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड में जो मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो SIP का है। मैं सालों से SIP ही करता आ रहा हूं और SIP की ही सलाह देता रहा हूं। तो अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है SIP से करिए, क्योंकि आप उतार से लेकर चढ़ाव तक, बढ़ती मार्केट से लेकर गिरती मार्केट तक आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ELSS में निवेश कैसे किया जाता है। जैसे आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही आप एग्जैक्टली ELSS में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको वहां पे ही वही फॉर्मेलिटीज करनी होंगी, वही पेपर फॉर्मेलिटीज वहां करनी होती है जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में, वही आपको ELSS के लिए करनी होती है, अपनी स्कीम चूज करनी होती है, अपना KYC करना होता है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड में निवेश करना कैसे है, क्या प्रोसीजर हुआ, क्या तरीके हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो हम इससे अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आप ELSS स्कीम्स में भी एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह से 500 रुपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे कम आप नहीं कर सकते हैं, इससे अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आपके पास थोड़े से पैसे भी हैं, तो अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपका पैन कार्ड बना हुआ है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं अकाउंट खोलने के लिए, अगर आप सर्विस वाले हैं तो भी आप ELSS कर सकते हैं, अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, आपका पैन कार्ड खुला हुआ है, तो भी आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिखानी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, तो भी आप ELSS फंड्स का या म्यूचुअल फंड का फायदा उठा सकते हैं। यही खूबसूरती है इन फंड्स की।
दोस्तों अगर आप एक अच्छा टैक्स सेविंग फंड और साथ में आप ये चाहते हैं कि एक ग्रोथ भी आपके साथ साथ में हो तो ELSS से अच्छा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों अगली वीडियो में देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश कैसे किया जाए, बने रहें। आप इससे पहले अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट देखें, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, पसंद आया तो कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आया तो भी कमेंट बॉक्स में लिख डालिए क्या चेंजेस चाहिए, वो चेंजेस हम आपके लिए जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, जय।